Dear children of class 4th, we are studying about the changing families, chapter number 9, and in this we have studied about the new arrival of the family members. In this continuation, I am discussing today also the new arrival of a baby. What does the new arrival of a baby brings in your family? We will discuss today. किसी एक नए बच्चे के जन्म होने पर आपकी फैमिली में परिवार में क्या परिवर्तन आते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे. डियर चिल्ड्रन, हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन पॉइंट वाइज आई विल डिस्कस दिस मैटर इन दैट मैनर दैट एट फर्स्ट द न्यू अराइवल ऑफ अ बेबी ब्रिंग्स द हैप्पीनेस. आपके घर में खुशियाँ लाता है नया बच्चा. नए बच्चे के जन्म होने पर हमारे घर में खुशियाँ आती हैं. नंबर दो, हम कुछ बिजी हो जाते हैं. जहाँ पहले एक मेंबर कम होता है वहीं एक मेंबर और आने से हम थोड़ा और बिजी हो जाते हैं. और यदि छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए हमें पंक्चुअल और रेगुलर होना पड़ता है तो हम ज़्यादा बिजी हो जाते हैं. सो वी बिकम्स बिजी. इट ब्रिंग्स जॉय हैप्पीनेस बिजीनेस इन आर लाइफ और इन आर डेली रूटीन. नाउ व्हाट चेंजेस कम्स विद इन यू. आपके खुद के अंदर क्या चेंजेस आते हैं तो उसमें सबसे ऊपर आता है केयरिंग. यू केयरिंग नेचर कम्स आउट. कैसे किसी की देखभाल करनी है, आप कितनी देखभाल करते हैं, आपके अंदर वो क्या खुशी है जिससे आप किसी सामने वाले की केयर करने लगते हैं, वो चीज़ आपकी बाहर आने लगती है. इट मीन्स दिस इज़ द क्वालिटी विद इन यू which comes outside when a newborn baby comes in your life. And you also become busy with her or him. Now, how we become busy? Playing with the newborn baby, sitting near the newborn baby, staring at the newborn baby, talking with the newborn baby. Even the baby doesn't know how to talk. Even then, we used to talk with him. We used to change his nappies, her nappies, or we also give him or her a bath, the food. So like this, we becomes a busy person with a newborn baby person. Dear children, as you become busy, your mother and father becomes more busy with that. Sometimes some children say that we don't like that a newborn baby come to my home. But do you know that what we have studied, that it brings up our qualities, the qualities of caring, the quality of patience, the quality of being faithful to others. So these are the qualities, these are your inertness which comes outside when a newborn baby comes to your home. तो आपको patienceful होना है. You should not feel jealous to the newborn to whom your mother and father is giving some more caring. जिसको अब वो थोड़ा ज़्यादा आपको लगता है कि उनको केयर कर रहे हैं उसके लिए आपको जेलस फील नहीं होना है. यू शुड ऑल्सो कोप अप विद देम. आपको भी अपने मम्मी पापा की सहायता करनी है. सो लाइक दिस यू कैन स्पेंड योर डे इन द हैप्पीनेस इन द बिजीनेस एंड बिकमिंग रेगुलर एंड पंक्चुअल. सो डियर चिल्ड्रन, विद अ न्यू बॉर्न बेबी बर्थ
these changes come in your life. Dear children, on the birth of a new baby, you have to become regular, you have to become punctual, that you have to wake up at the time, you have to finish your daily routine works at the time, and you have to care or give your time to the newborn baby. आपको अपने सभी काम समय पर करने पड़ते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा करते हैं समय पर काम, तो वैसे ही आपको भी उनका हाथ बटाने के लिए समय पर काम करना चाहिए. दूसरा, आपको अपनी पढ़ाई करनी होती है तो उसके लिए भी आप समय पर उठेंगे तो आप अपना समय अपनी पढ़ाई को और अपने सभी डेली रूटीन वर्क को भी दे सकते हैं. तो इस तरह से आपको पंक्चुअल और रेगुलर रहना चाहिए. डियर चिल्ड्रन, आप आज ये क्वेश्चंस लिखेंगे एज द होमवर्क. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैज़ ए स्मॉलर ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन योर होम और इन योर हाउस और नेबरहुड? सो द आंसर विल बी यस, अ स्मॉल बेबी वॉज बॉर्न इन माई नेबरहुड. यदि आपके घर में किसी का जन्म नहीं हुआ है, नेबर में हुआ है, पड़ोस में किसी बेबी ने जन्म लिया है, तो आप उसका लिखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज इट फील इट टू हैव अ न्यू बॉय बेबी एट होम? ऑल आर वेरी हैप्पी. एक बच्चे नए बच्चे से के आने से सभी खुश होते हैं. इट इज़ अंडरस्टूड. हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी? एवरीवन हैज़ बिकम very happy in the family. Everyone has started planning about the new member. Some of the work which the mother did before has to be done by other members because the mother has become a little bit more busy with the newborn baby. That's why the other works had to be done by the other members. Now the next question, find out all about the youngest child in your home or in the home of a relative. आपने अपने घर में या फिर पड़ोसी के किसी घर में सबसे youngest child means सबसे छोटे बच्चे को देखना है और उसके बारे में जानकारी लिखनी है. These are the informations about which you have to write the answers. ये questions हैं जिनके आपको answers लिखने हैं. When was the baby born? बेबी का जन्म कब हुआ? इज द बेबी अ बॉय और अ गर्ल? हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर? वेयर वॉज द बेबी बॉर्न? हु डज द बेबी लुक लाइक? वट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर हेयर? वट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर आइज? डज द बेबी हैव एनी टीथ? वट डू वी फीड द बेबी विद? वट इज़ द बेबीज लेंथ? So dear children, you have to write these answers yourself and rest of I have shown you. If you can do the answers yourself, then do it. Otherwise, you may take the help of these answers also. I have shown you. When was the baby born? It was about 2 weeks back. Is the baby a boy or girl? The newly born baby is a girl. How are you related to him or her? I am her neighbor. Where was the baby born? The baby was born in the hospital. Who does the baby look like? The baby look like her mother. What is the color of his or her eyes? It has the black colors. Does the baby have any teeth? No, she doesn't have any tooth. What is the baby's length? Her length is about 2 feet. How many hours a day does the baby sleep? She sleeps for more than 14 hours. What does the sound does the baby make? She cries and produces various type of sounds. Who does the baby stay with most of the time? Most of the time she stays with her mom. You have to stick a photograph of the baby or draw a picture in your notebook like this. So you may take the help of these questions or you may do these questions as per your experiences. So do this work today. Thank you. Have a nice day. Bye.